ये धरने का पांचवां दिन है हमारा और हमारी जो मांग है वो किसान की जो फसल है उसकी सरकारी खरीद की मांग है। नरमे की आवाज यहाँ पे आ रही हो रही है, मंडी के अंदर बड़ी संख्या के अंदर किसान अपना नरमा यहाँ पे लेके आ रहा है, जिसका MSP जो रेट है सरकारी रेट है वो 5450 रुपये है, उसके ऊपर अभी खरीद शुरू नहीं की है इन्होंने। उसको लेके हम पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे अधिकारियों से मिले भी हैं, हमें कोरे आश्वासन मिलते रहे हैं कि जल्दी जो है सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी, लेकिन आज तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। जब तक कि मंडी में सीजन फसल शुरू हो गई है, 20 दिन हो गए मंडी में फसल आते हुए। अब इनके पता चला कि इनका जो फैक्ट्री वाले हैं उनके साथ CCI का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और जब तक CCI का एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि CCI के पास अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो ये हमें झूठा आश्वासन देते रहे, हमारे साथ झूठ बोलते रहे। असल में मामले का पता चला तो ये है कि जो CCI के अधिकारी हैं वो फैक्ट्री वालों से कमीशन लेते हैं, उनका कमीशन का काम है, उनसे पैसे लेते हैं। तो आपके उन लोगों ने, CCI वालों ने और फैक्ट्रियों के जो मालिक है उन्होंने मिली भगत करके ये जानबूझ के एग्रीमेंट नहीं किया जा रहा है, ताकि किसान की जो फसल 5450 ना खरीद के यहाँ पे 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सस्ती फसल खरीदी जा रही है, और किसान की मजबूरी है अपने जो फसल है वो सस्ती बेचने की, क्योंकि उसको सरकारी खरीद शुरू नहीं हो रही तो वो मजबूरी में अपनी फसल सस्ती बेच रहा है। उसको लेके हम ये धरना लगाए बैठे हैं, रात को भी यहाँ पे बैठे थे, हमारी सुनवाई नहीं हुई। कल हमने इनको कहा भी था कि अगर कल हमारी ये CCI खरीद शुरू नहीं करेगी तो मार्केट कमेटी को पूर्ण रूप से बंद करेंगे। आज हमने मार्केट कमेटी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, रात के यहीं बैठे हैं और सुबह यहाँ पे 8 बजे ही इसको बंद कर दिया। किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को मार्केट कमेटी के अंदर नहीं जाने दिया गया है, और ना ही तब तक हमारी खरीद शुरू होगी इनको किसी को मार्केट कमेटी के अंदर घुसने देंगे।